दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वार्ना रोनाल्डो बनने की कोशिश की थी मगर क्या हुआ। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद पता लग जाएगी, या वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने रखी कोका कोला की बोतलें हटाई थी। इससे कोका कोला को करोड़ों का नुकसान हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो बनने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। डेविड वार्नर के सामने कोका कोला की दो बोतलें रखी थी। उन्होंने दोनों बोतलों को उठाकर वहां से हटाना चाहा लेकिन उनके सामने बैठे ICC के एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। वार्नर ने इस दौरान कहा, मुझे ये यही रखनी होगी, अगर ये रोनाल्डो के लिए सही है तो मेरे लिए भी ठीक है। दोस्तों आप ये सब जानकर आप क्या सोच रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस प्रकार इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।